लास्ट वीडियो में हमने यह जाना था कि शराब घोटाला केस आखिर है क्या और ईडी के द्वारा यह केस क्यों रजिस्टर्ड किया गया और अरविंद केजरीवाल को इस केस में अरेस्ट क्यों किया गया और 10 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल को टिल 1 जून के लिए क्यों इंटरिम जमानत पर इंटरिम बेल एप्लीकेशन पर रिहा कर दिया गया था। तो दोस्तों, यदि आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को जरूर देखें। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 1 जून 2024 को केजरीवाल के द्वारा जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है वह किस ग्राउंड पर की गई है और उसमें क्या कंडीशन ली गई है, क्या ग्राउंड लिए गए हैं बेल पाने के लिए। और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उनकी बेल को अपोज करते हुए क्या क्या ग्राउंड्स लिए, क्या क्या कंटेंशन दी को। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि 10 मई 2024 को टिल 1 जून तक के लिए मिस्टर केजरीवाल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल पर रिलीज कर दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों, 1 जून 2024 को मिस्टर केजरीवाल के द्वारा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है इस ग्राउंड पर कि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उनका शुगर लेवल जो है वह फ्लक्चुएट हो रहा है बारंबार और उनका 7 kg वेट लॉस हो चुका है। और दोस्तों, एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा क्या क्या कंटेंशन ली गई इनकी बेल को अपोज करते हुए, आइए बात करते हैं। दोस्तों, बेल अपोज करते हुए पहली कंटेंशन यह थी कि जो यह इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, यह इस कोर्ट में इंटरिम बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है। दूसरा ग्राउंड यह था कि यह इंटरिम बेल एप्लीकेशन इसलिए भी मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि इंटरिम बेल एप्लीकेशन सिर्फ जब लगाई जा सकती है जब खुद एप्लीकेंट, खुद अक्यूज पर्सन कस्टडी में है, लेकिन यहाँ पर तो एप्लीकेंट कस्टडी में ही नहीं है, वह तो रिलीज है। और नेक्स्ट कंटेंशन यह ली गई कि दिस कोर्ट हैज नो पावर टू मॉडिफाई द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को जब इन्हें बेल ग्रांट की थी तो उसमें यह क्लियरली मेंशन है कि इन्हें 2 जून को अपने आप को सरेंडर करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने की इस कोर्ट के पास में पावर नहीं है। और नेक्स्ट कंटेंशन यह ली गई कि सेक्शन 45 ऑफ PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, उसे फॉलो करना मैंडेटरी है चाहे इंटरिम बेल एप्लीकेशन ही क्यों ना मूव की गई हो। और नेक्स्ट कंटेंशन यह थी कि एप्लीकेंट ने कोर्ट से कई सारे फैक्ट्स को, मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस किया है, कंसील किया है, जैसे कि इन्होंने अपनी इंटरिम बेल एप्लीकेशन में यह कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पर बेल एप्लीकेशन फाइल करने से पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल की थी और रजिस्ट्री ने इनकी बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और इन्हें बताया था कि यह इंटरिम बेल एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते, इन्हें रेगुलर बेल मूव करनी चाहिए और वह ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकते हैं। और दूसरा फैक्ट इन्होंने यह सप्रेस किया है कोर्ट से कि इनका वेट 7 kg लॉस हो गया है जबकि इनका वेट 1 kg बढ़ गया है, पहले से गेन हो गया है, क्योंकि जब इन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था उस टाइम पर इनका वेट 64 kg था और आज जब इन्होंने इंटरिम बेल एप्लीकेशन मूव की है आज इनका वेट 65 kg है। तो यहाँ पर 7 kg वेट रिड्यूस नहीं हुआ है बल्कि 1 kg वेट इनका गेन हो गया है। और बेल को पोस्ट करते हुए नेक्स्ट कंटेंशन यह ली गई कि इनकी हेल्थ कंडीशन यदि सच में खराब होती तो इन्होंने होल्टर टेस्ट करवाया होता, अपने टेस्ट करवाए होते, टेस्ट की कॉपीज लगाई होती, जबकि इन्होंने सिर्फ एक टेस्ट की कॉपी लगाई है वो भी 3-4 दिन पुरानी है, जबकि ये अपनी बेल एप्लीकेशन में यह मेंशन कर रहे हैं कि इनका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, इनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है और इनको यूरिनल इन्फेक्शन है, जबकि यह 10 मई के बाद में जब से रिलीज हुए हैं बेल पर तब से यह ओकारा टैबलेट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ओकारा टैबलेट को इसलिए लिया जाता है क्योंकि जिसके ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ओकारा टैबलेट उस शुगर लेवल को यूरिन के थ्रू कम करती है, रिड्यूस करती है। और बेल अपोज करते हुए नेक्स्ट कंटेंशन यह लिया गया कि वाकई में यदि मिस्टर केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है तो उन्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि जेल अथॉरिटी के पास में पहले से ही एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है हेल्थ कंडीशन को लेकर। यदि मिस्टर केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद में यदि उनकी हेल्थ कंडीशन वाकई में ठीक नहीं हुई तो उनको एडवांस लेवल पर केयर टेकिंग की जाएगी, उनकी हेल्थ कंडीशन की
पूरी देखभाल की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो एम्स हॉस्पिटल में या फिर किसी अदर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाएगा, उनको पूरी हेल्थ कंडीशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो 1 जून 2024 को ऑनरेबल कोर्ट के सामने इंटरिम बेल एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट के द्वारा मिस्टर केजरीवाल के द्वारा फाइल की गई थी, उस इंटरिम बेल एप्लीकेशन पे यह सारी आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस दी गई हैं दोनों पार्टीज के द्वारा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पार्टीज की कंटेंशंस को, दोनों पार्टीज की आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद में इस इंटरिम बेल एप्लीकेशन के ऑर्डर को 5 तारीख तक के लिए रिजर्व कर लिया है। अब देखना यह है कि 5 तारीख को क्या ऑर्डर आता है, क्या इस इंटरिम बेल एप्लीकेशन पर मिस्टर केजरीवाल को 7 दिन के लिए एक्सटेंशन रिलीफ मिलेगा, क्या उन्हें 7 दिन के लिए और रिलीज किया जाएगा, क्या आज के समय में जेल अथॉरिटी में एडवांस लेवल का इक्विपमेंट मौजूद होते हुए, मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज होते हुए, क्या हेल्थ कंडीशन के ग्राउंड पर किसी को बेल प्रोवाइड की जा सकती है, बेल पर रिलीज किया जा सकता है? तो दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या मिस्टर केजरीवाल को 5 तारीख को बेल पर रिलीज किया जाएगा? आप अपना ओपिनियन, अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।